नमस्कार, आप सबको इसी चैनल पे स्वागत है। तो व्यूअर्स, कृतज्ञता पोर्टल पर बहुत सारे लोग रिटायरी फॉर्म फिलअप करते वक्त फ़ोटो अपलोड एंड सिग्नेचर अपलोड करते वक्त बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करते हैं, सही तरह से फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड नहीं करते हैं। चलिए, मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इसी वीडियो के द्वारा फ़ोटो एंड सिग्नेचर किस तरह सही तरह से अपलोड किया जाता है, सही तरह से किस तरह क्रॉप किया जाता है, इसका प्रोसेस मैं आप लोगों को इसी वीडियो के द्वारा दिखाने वाला हूँ। और व्यूअर्स, किस तरह रिटायरी फॉर्म फिलअप किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, यानी कौन सा फॉर्म पहले फिलअप किया जाता है, कौन सा फॉर्म सेकंड टाइम फिलअप किया जाता है, एंड सर्विस वेरिफिकेशन किस तरह किया जाता है, फॉर्म वेरिफिकेशन किस तरह किया जाता है, फॉर्म नंबर 7 और 8 फिलअप किस तरह किया जाता है, सारा प्रोसेस मैंने दूसरे वीडियो पे आप लोगों को दिखाया था। वो वाला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा एंड मेरा चैनल पर आप लोग विजिट कीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा सब कुछ। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आईडी ओपन होने के बाद यहाँ पे आप लोगों को यूटिलिटी बटन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद रिटायरी फॉर्म देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा, यहाँ पे देखिए नॉट सबमिटेड देयर फॉर्म 1 एंड सबमिटेड देयर फॉर्म 14 दिखा रहा है। मैंने ऑलरेडी 14 सबमिट कर चुका है तो 1 फॉर्म रह गया। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो नॉट सबमिटेड देयर फॉर्म 1 यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पे जिनका फॉर्म बाकी है एडिट करना, उनका नाम यहाँ पे शो करेगा, देख लीजिए यहाँ पे उनका शो कर नाम। उसके बाद एडिट फॉर्म यहाँ पे राइट तरफ दिखाया जाता है, एडिट फॉर्म बटन पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे जो मार्क लगा हुआ है ना एडिट, वहाँ पे क्लिक कीजिए। इसके बाद रिटायर्ड पर्सन का पूरा फॉर्म यहाँ पे ओपन होगा। देखिए रिटायर्ड डिटेल्स आपको ये बॉक्स आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद फैमिली डिटेल्स फिलअप करना पड़ेगा, नॉमिनेशन फॉर्म 1 फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पे कॉम्पिटिशन जो है उसको फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद फॉर्म नंबर 2 यानी नॉमिनेशन फॉर्म ए है, उसका बैंक जारी चेकलिस्ट है, प्रिंट एंड प्रीव्यू आपको करना पड़ेगा, ये सब कंप्लीट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरह सही तरह से फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड किया जाए, सही तरह से किस तरह क्रॉप किया जाता है, सारा प्रोसेस में आप लोगों को इसी वीडियो के द्वारा दिखाने वाला व्यूअर्स। तो चलिए, उससे पहले व्यूअर्स, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। यहाँ पे देखिए अपलोड फोटो, यहाँ पे ऑप्शंस आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हो। फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे देखिए अपलोड फोटोग्राफ रखा गया है, लेकिन यहाँ पे आके बहुत से लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, लेकिन सही तरह से फोटो अपलोड नहीं होता इन लोगों का। मैंने देखा है बहुत सारा जगह पे फोटो सही तरह से अपलोड नहीं होता है, लेकिन सही तरह से फोटो किस तरह अपलोड किया जाता है मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए फोटो का साइज यहाँ पे मिनिमम 70 KB रखना पड़ेगा आप लोगों को, उससे भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 KB भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और व्यूअर्स, पासपोर्ट साइज़ का फोटो बहुत सारे लोग स्कैनिंग करते वक्त गलती कर लेते हैं। चलिए मैं आप लोगों को स्कैनिंग किस तरह किया जाता है इसका भी प्रोसेस मैं दिखाऊंगा। उसके बाद आप लोग फोटो का साइज़ किस तरह कम किया जाता है इसका भी प्रोसेस मैं दिखा देता हूँ। ओके, चलिए स्टेप स्कैनिंग की तरफ आ जाता है, किस तरह प्रिंटर के द्वारा स्कैन किया जाता है। चलिए मैं आप लोगों को वहाँ जाके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। स्कैनर ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट मोड आपको दिखाई देगा, ये मोड आप चेंज कर सकते हो, पोर्ट्रेट मोड या डॉक्यूमेंट मोड, आप डॉक्यूमेंट मोड पर रख दीजिएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए रेजोल्यूशन यहाँ पे 200 DPI रहेगा, तो आप लोग 150 DPI आप कर दीजिएगा ताकि फोटो का साइज थोड़ा कम हो जाएगा। अदरवाइज आप 300 रेजोल्यूशन रख सकते हो, लेकिन फोटो का साइज ज़्यादा हो जाएगा। ओके, इसके बाद आप लोगों को ऑनलाइन जाके उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। इसके बाद आप नीचे देखिए फोटो का साइज यानी कौन सा साइज आप रखना चाहते हो, सॉरी उसका फॉर्मेट क्या रखना चाहते हो, JPEG या PDF आप या और कुछ रखना चाहते हो, तो यहाँ पे JPEG आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, PDF सिलेक्ट मत कीजिएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे नेम चेंज कर सकते हो, यहाँ पे फोटो का नेम कोई भी दे सकते हो, सेटिंग पे जाके आप फोटो का नाम रख सकते हो। उसके बाद स्कैन बटन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद व्यूअर्स, फोटो साइज ज़्यादा हो सकता है फोटो का, जैसे 200 KB, 150 KB, 70 KB से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन फोटो का साइज आप लोग को रिड्यूस करना पड़ेगा। ऑनलाइन जाके आप लोग फोटो का साइज रिड्यूस कर लीजिएगा, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा फ्री ऑनलाइन फोटो रिड्यूसर, फोटो का साइज रिड्यूसर, इस तरह लेके आप सर्च कर लीजिएगा। ऑनलाइन आप रिड्यूस कर सकते हो फोटो का साइज, यानी 70 KB से आप नीचे कर सकते हो इस तरह। ओके, इसके बाद आप आसानी से वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। ओके, तो चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ वहाँ पे किस तरह फोटो अपलोड किया जाता है। यहाँ पे आपको फोटो यानी अपलोड फोटोग्राफ बटन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने शो करेगा। यहाँ पे देखिए चॉइस फाइल, यहाँ पे देखिए चॉइस फाइल पे आप क्लिक कीजिए, यानी अपना कंप्यूटर पे जो जहाँ पे आपने फोटो सेव करके रखा है वही फोल्डर आप ओपन कीजिए। यहाँ पे मेरा डेस्कटॉप में रखा हुआ है, यहाँ पे नीचे कोई जहाँ पे भी आपका फोल्डर है यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे मेरा फोल्डर कौन सा फोल्डर पे रखा हुआ है। मेरा देखिए इमेज पे रखा हुआ है, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे कौन सा
सब फोटो आपको अपलोड करना है। यहाँ पे देखिए इसका साइज़ देखिए, यहाँ पे देखिए 56 KB का है। मैंने साइज ऑलरेडी रिड्यूस कर चुका हूँ, ऑनलाइन जाके मैंने रिड्यूस कर लिया है, अदरवाइज फोटोशॉप में जाके आप रिड्यूस कर सकते हो क्रॉप करके। ओके, यहाँ पे सिलेक्ट करके ओपन फाइल पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज डबल क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए कुछ बड़ा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा हो गया साइज फोटो। यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा छोटा करना है, माइनस बटन पर क्लिक करके या प्लस बटन पर क्लिक करके आप छोटा बड़ा कर सकते हो। ये जो गैप दिखाई दे रहा है इस गैप के अंदर आना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस बटन पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे छोटा हो जाएगा। देखिए इस तरह माइनस बटन पर क्लिक कीजिए, छोटा होते जाएगा। ओके, उसके बाद आप अपना माउस के द्वारा लेफ्ट क्लिक करके उसको थोड़ा सा यहाँ पे हिल कर सकते हो, यानी छोटा बड़ा यानी साइड यहाँ से दूसरे जगह पे यहाँ पे शेक कर सकते हो, यहाँ पे देख इस तरह। लेकिन यहाँ पे व्हाइट थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पे साइड की तरफ व्हाइट दिखाई दे रही, इसे रहनी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि साइड में व्हाइट रख देते हैं, लेकिन साइड में व्हाइट मत रखिए। यहाँ पे देखिए पूरा फोटो का पूरा बैकग्राउंड यानी पूरा चारों तरफ से फोटो है, कलर देखना चाहिए। ओके, इसके बाद ज्वाइंट फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए सेम यहाँ पे सेम उसी तरह आप अपलोड फोटोग्राफ पे क्लिक कीजिए, जिसका चॉइस पर क्लिक करके आप फोटो सिलेक्ट कर लीजिए या ओके, इसके बाद डबल क्लिक करके आप फोटो सिलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद इसका भी साइज आपका थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, यहाँ पे बहुत बड़ा हो चुका है, माइनस बटन पर क्लिक करके यहाँ पे देखिए साइड में व्हाइट कलर जो है व्हाइट कलर देखना नहीं चाहिए व्यूअर्स। ओके, पूरा बैकग्राउंड पूरा फोटो के अंदर रहना चाहिए। ओके, देखिए पूरा फोटो के रहना चाहिए। और सिग्नेचर अपलोड करते वक्त बहुत सारे लोग मिस्टेक कर लेते हैं, सही तरह से सिग्नेचर अपलोड करना का प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। सिग्नेचर सेम सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे आपको माइनस बटन पे क्लिक करके इस बॉक्स के अंदर रखना पड़ेगा। कोई भी वर्ड आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए, बाहर नहीं दिखाना चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट हो जाता है, तो रिजेक्ट मत कीजिए, इस बॉक्स के अंदर रखना चाहिए। ओके, उसके बाद आप क्रॉप बटन पे क्लिक कीजिए फ्रेंड्स। तो व्यूअर्स फोटो एंड सिग्नेचर जब भी आप लोग स्कैनिंग करते हैं, फोटो से फोटो स्कैनिंग जब करते हो ना, तभी क्या होता है जो साइट में जो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड रह जाता है ना फोटो से फोटो स्कैनिंग करते वक्त, उसको अच्छी तरह से क्रॉप कीजिए। दिखाई नहीं देना चाहिए कि फोटो से फोटो आपने स्कैनिंग किया है, इस तरह दिखाई नहीं देना चाहिए, अच्छी तरह से आप क्रॉप कीजिएगा, उसके बाद फोटो अपलोड कीजिए। ओके, सही तरह से फोटो अपलोड कीजिए, सेम सिग्नेचर भी सही तरह से अपलोड कीजिएगा। यहाँ पे मिस्टेक बहुत सारे लोगों का मिस्टेक हो जाता है, फोटो से जब फोटो स्कैनिंग करते हैं तभी लोग मिस्टेक कर लेते हैं, तभी पता चल जाता है कि ये फोटो से फोटो स्कैनिंग किया गया है। ओके, तो अच्छी तरह से आप लोग क्रॉप कीजिएगा उसको, साइड में जो व्हाइट बैकग्राउंड है व्हाइट कलर का जो, उसको अच्छी तरह से कट कीजिएगा। उसके बाद सिलेक्ट होने के बाद सेव एज ड्रॉप बटन पे क्लिक, इस तरह फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।